गाइज आज हम अलजबरा देखते हैं कि अलजबरा में क्या बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें कि आपको फॉर्मूला पता हो। मैं अलजबरा जो आपको बताऊंगा सिंपली एसएससी का टोटल चार फॉर्मूलों में ख़त्म होगा। अलजबरा एक सिंपल फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है। सेकेंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आपका आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फोर्थ फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ज़्यादातर लोगों को अलजबरा में दिक्कत इसलिए आती है कि उन्हें लगता है कि अलजबरा में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद करना है। गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन चार फॉर्मूलों के बेसिस पे आप एसएससी लेवल के अलजबरा का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे कि अलजबरा का बेसिक क्या है। अलजबरा का बेसिक होता है कि कोई आपके पास एक टर्म दिया होता है और उसी टर्म से आपको अगला टर्म फाइंड करना होता है। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन अगर हम डिस्क्राइब करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करें, स्क्वायर निकालना है तो SBS स्क्वायर बोथ साइड, एक्स प्लस 1/x दोनों साइड एक स्क्वायर करते हैं, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, ये 4 हो गया, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 4 - 2 इक्वल टू 2। आगे चलते हैं, सपोज है सेकेंड क्वेश्चन कि एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू व्हाट। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, एक्स प्लस 1/x³ टू क्यूब। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये क्यूब कर दिया हमने, 8 हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस एक्स एक्स कैंसिल 3। गाइज एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है 2, 8, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 8 - 6, ये इधर की साइड ले गए हम, आया 2। यानी कि किसी भी कंडीशन में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास दिया हुआ हो एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 का सिंपली मतलब ये है कि एक्स की हम कोई ऐसी वैल्यू डिसाइड करेंगे जो एक्स के बराबर रखने पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ गाइज हम लोग अगर एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं और यहाँ भी 1 रखते हैं तो एक्स प्लस 1/x, 1 + 1/1 इक्वल टू 2। ऐसे कंडीशंस में हम लोग जब भी 2 देखने को मिले एक्स प्लस 1/x, इतना सॉल्व आपको नहीं करना है, सिंपली आपको एक्स इक्वल टू 1 एज्यूम करना है कि एक्स इक्वल टू 1 एज्यूम करते हैं तो 2 आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप एज्यूम करते हैं 2 आ जाएगा। तो वैल्यू पावर 3 या पावर कुछ भी पूछा जाए, आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन फाइंड एक्स पावर 100 प्लस एक्स पावर 99 क्या होगा, ये ऑलवेज 2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, 1 सेकेंड के अंदर एक्स प्लस 1/x हो, ए प्लस 1/a हो, या अल्फाबेट का कोई भी अक्षर हो, आप सिंपली यहाँ 1 वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन टिक करेंगे
ऑलवेज आंसर टू। इवन अगर हम लोग देखते हैं, एक इसमें एक बार एसएससी में पूछा गया एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, देन फाइंड अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू वॉट। तो ऐसे भी कंडीशन में आंसर टू ही होगा। थोड़ा आगे चलते हैं गाइज। अगर क्वेश्चन हो कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, देन फाइंड टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू व्हाट। ऐसे भी केस में आपको एक्स की वैल्यू वन ही एज्यूम करनी है। आप यहां सिंपली क्या करेंगे, टू इंटू वन, एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस टू, थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन प्लस फाइव इंटू वन प्लस थ्री, ये हो गया आपका फोर, तीन और पाँच आठ और तीन 11, ये आपका आंसर हो गया। इतना गाइस जितना सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपली पता है पेपर बिल्कुल पेन पेपर का यूज ही नहीं करना है। यहाँ पे वन रखना है, आपको पता है कि वन रखेंगे वन का स्क्वायर वन ही होगा, दो दो चार पाँच, तीन और आठ तीन 11, ये आपका आ गया आंसर। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपसे यहाँ तक पूछेगा, कोई भी इक्वेशन वो अपने आप बनाएगा और इसके बाद वो आपसे एक्स की वैल्यू आपके माइंड को चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू आप वन रख रहे हैं या फिर स्क्वायर बोथ साइड करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप स्क्वायर बोथ साइड कीजिएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसमें एक्स प्लस वन बाई एक्स, एन प्लस वन बाई एन, ए प्लस वन बाई ए, कहीं भी आपको टू देखने को मिले, आपको एक बात माइंड में क्लिक होनी हो जाना चाहिए कि यहाँ एक्स का वैल्यू वन ही होगा। आगे चलते हैं, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू ना हो के अगर कोई और भी संख्या हो तो क्या होगा। सपोज हम लोग लेते हैं तीन, आपसे पूछा गया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वॉट। यहाँ आप क्या करेंगे, पावर वन है, स्क्वायर में निकालना है, आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, तीन का स्क्वायर 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू 9, एक्स और एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। गाइज अगर हम सिंपली बात करें, हम एग्जाम में इतना कुछ नहीं करेंगे, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चार पाँच छः तीन कुछ भी। दो के केस में मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ एक ले लेना है, तीन हो चार हो पाँच हो दस बीस कोई भी संख्या हो। तो आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे ए के बराबर यही है तीन, क्या किया हमने, तीन का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद यहाँ माइनस टू किया, यानी कि हम सिंपली कहें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए, और आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो आपको ए को स्क्वायर करना है और दो को माइनस करना है, ये आपका आंसर होगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि दी हुई संख्या का स्क्वायर करें और उसमें से दो घटाएं। ये दो कहाँ से आया और क्यों घटाना है, शॉर्ट ट्रिक्स कहीं से नहीं बनता, शॉर्ट ट्रिक्स बेसिक से ही बनता है। यही दो जो फॉर्मूले का दो है, टू ए बी, यही टू माइनस किया गया है और कुछ भी नहीं है। अगर सिंपली मैं आपसे बात करूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। हमने कहा कि दी हुई वैल्यू